मॉर्निंग गाइस फ्रॉम श्रीनगर। तो आज हम निकल रहे पहलगाम के लिए और पहलगाम जाएंगे और उधर आरू वैली, बताप वैली और चंदनवाड़ी जो जो होगा बैसरन वैली हम लोग वहाँ पे सफ़र करने वाले। तो अभी हमारा गाड़ी निकल पड़ा है यहाँ पर, देख सकते हो। तो अभी इधर से निकलेंगे और हम लोग अभी निकल दिए पहलगाम के लिए। कहाँ जा रहे डुगो? पहलगाम। पहलगाम आज हम लोग जा रहे हैं। बोलो पहलगाम। पहलगाम शॉपिंग करते। अरे अरे हिंदी में बोलो इसको। गाइस हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे यहाँ पे होटल में खाना खाने के लिए, तो यहाँ पे खाना खाए और यहाँ से अभी निकलेंगे पहलगाम के लिए। तो यहाँ से जो अभी नज़ारा कुछ इस तरह से दिख रहा है, देख सकते हो। वहाँ पे हम लोग को पहाड़ दिख रहे हैं परिदार से होके। ये होटल पे हम लोग रुके हुए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और यहाँ से ब्रेकफास्ट किए, फिर हमारे पास केला था वो खाए। परिदार से हम लोग निकलने वाले अभी पहलगाम। क्या हुआ? यहाँ पे पहलगाम से 15 किलोमीटर पहले हम लोग एक स्पॉट पे रुके हुए हैं। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। यहाँ पे रिवर राफ्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ का व्यू कितना सुंदर है। हमारे पीछे नदी बह रही है, ये देखिए ये नज़ारा कुछ इस तरह से दिख रहा है पहलगाम से 15 किलोमीटर पहले। यहाँ पे पहलगाम पहुँच गए। यहाँ से हम लोग को टैक्सी करना पड़ेगा बैसरन वैली, आरू वैली और बेताब वैली ये सब के लिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कहाँ पे हम लोग लोकल टैक्सी कर सकते हैं। अभी अभी हमने जस्ट पहुँचा और यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी यहाँ से जाएंगे हम लोग बैसरन वैली घोड़े करेंगे, घोड़े से जाएंगे या कैब मिलता है देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कार का पार्किंग है। यहाँ पे कार का पार्किंग फुल हो गया था, इसलिए हमारे भैया ने यहाँ पे बहुत दूर पे वहाँ पे खड़ी की है अपने अपनी गाड़ी। और इधर से देखते हैं कैसे जाते हैं बैसरन वैली और अदर वैलीस। तो आपको यहाँ पे एक बोर्ड मिल जाएगा जहाँ पे आपका स्पॉट एंड उनके सारे प्राइसेस लिखे रहेंगे। यहाँ पे बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा रहता है, तो आप मेक श्योर करें कि आप बर्गेन करें थोड़ा सा प्राइस जितना भी बोले। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो हम लोग बर्गेन कर रहे हैं,
वो लोग बोल रहे एक मतलब पर पर्सन का 4,000 करके लेंगे बैसारन वैली के लिए और कश्मीर वैली और दो वैली थे। तो आप यहाँ पे बार्गेन करना, हम लोग बार्गेन करके इसको 1200 पर पर्सन लाए थे, 1200 तक लाए थे। तो आप आपका जितना बार्गेन का कैपेसिटी आप उतना कर सकते हो यहाँ पे। तो फाइनली भाई हम लोग घोड़े पे बैठ गए और इधर से जाएंगे बैसरन वैली, कश्मीर वैली और भी जो दो वैली है नाम पता नहीं, तो वहाँ पे जाने वाले हैं। तो वहाँ से आके फिर हम लोग जाएंगे दूसरे जो आरू वैली पे, तब फिर उसके लिए एक टैक्सी बुक करेंगे। तो वी आर ऑल सेट टू गो बैसरन वैली। हम खरीद के पास फोन करता है, हमको पता ही नहीं है। बच्चे के लिए अलग से घोड़ा लेना शुरू कर दिया। फर्स्ट टाइम घोड़े पे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। जय माता दी, जय माता दी। और ये रो रही है, घोड़े पे बैठ के रो रही है। हालात देखो, अरे बाप रे, कितने होगा। एंट्री है, हम लोग एंट्री करने वाले। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक दिन पहले बारिश हुआ था, तो कितना कीचड़ भरा हुआ है इधर। तो चलिए अंदर जाके अब बैसरन वैली में एंट्री करते हैं, इसका टिकट लेके एंट्री करते हैं। यहाँ पे टिकट काउंटर है, तो यहाँ पे टिकट लेके आप लोग एंट्री करेंगे अब बैसरन वैली में। हम लोग बैसरन वैली पे एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पे यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह ही दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज मिल जाएंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एक्टिविटीज कर सकते हो। यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह दिख रहा है, आप देख सकते हो। तो हम लोग बैसरन वैली पे एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा टहल रहे और फोटो शूट और वीडियो शूट कर रहे थे। यहाँ से नज़ारा बहुत ही मस्त दिख रहा है। ऊपर स्नोफॉल हुआ है, तो स्नोफॉल हमको पेड़ में दिख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो दूर वाले जो। यहाँ पे हम लोग बैसरन वैली अभी भी घूम रहे हैं और यहाँ पे हम लोग फोटो शूट कर रहे हैं। यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है और उधर बर्फ पर ढका हुआ पूरा पहाड़ दिख रहा है आपको। देखिए बर्फ पड़ा हुआ पहाड़, और यहाँ पे हम लोग का फोटो शूट चल रहा है यहाँ पे DSLR से। एक बार आंख बंद करके इस जगह को फील कर लो। यहाँ पे जिप लाइनिंग भी होता है, यहाँ पे एक पॉइंट है जिप लाइनिंग का और उधर एक पॉइंट है। तो यहाँ पे 350 रुपया लेंगे और आपको यहाँ पे कर देंगे, जिप लाइनिंग करा देंगे। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ जिप लाइनिंग करने के लिए। यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पे आप जिप लाइन कर सकते हो, जो मेरे को सही लगा। एंड इन्होंने उस टाइम पे चार्ज कर रहे थे 400, तो आप इसको बार्गेन करके थोड़ा सा घटा।
ये नहीं बताया तुम लोग इधर से जिप लाइनिंग करके अभी निकल रहे उधर स्पॉट के लिए। हाँ तो मैं 0.5 में अपना रिकॉर्ड किया हूँ जिप लाइनिंग में, तो मेरा अभी अच्छा वीडियो आया है। और इसने किया है नॉर्मल सेटिंग्स में 1x में, तो इसका थोड़ा सा पहाड़ नहीं दिख रहे। फिर हम लोग इधर बजरंग वैली से वापस आ गए थे और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चाय और स्नैक्स खा रहे थे और इधर का नज़ारा कुछ इस तरह सा दिख रहा था। फिर हमने डिसाइड करा आज हम लोग वापस श्रीनगर चलेंगे। तो हम लोग का पहलगाम का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। पहलगाम में हम लोग बहुत मस्ती किए एंड बहुत सारे यादें बनाए, तो ये सब यादों को हम लोग लेके अभी निकल पड़े श्रीनगर के लिए।